तो रेहड़ी के बारे में समस्या है तो वो बैठ जाए, बैठ के बात को सुने। हमारे बीच में श्रम कर्मचारी संघ के संगठन सचिव, पूरे प्रदेश के कर्मचारियों की आवाज साथी सुरेश हमारे बीच में आए हैं, वो आपको संबोधित करेंगे। आप सारे साथी ध्यान से साथी सुरेश कुमार नोहरा की बात सुने। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां। आपका ये कार्यक्रम लगभग 15 दिन से चल रहा है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष लक्ष्मी पीवी संगठन सचिव हैं, वो आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। साथ ही राजेंद्र सरोवा रेडी पटरी यूनियन हरियाणा के महासचिव हैं, CITU के बड़े नेता हैं, मेरे साथ आए मेरे सहयोगी साथी हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के जिला सचिव और श्रम कर्मचारी संघ जिला गुरुग्राम के ऑडिटर साथी नरेश कुमार। साथियों, जिन मांगों को लेकर के आप लगातार आंदोलन में हैं, मैं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से आपकी तमाम मांगों का समर्थन करता और कहना चाहता हूं, जो नगर निगम के लोग आपको तंग करते हैं, रेडी उठा के ले जाते हैं, कोई आपका बैठने के बेंच उठा के ले जाते हैं, या ये बोलते हैं कि भाई ये रेडी बंद करो, आप प्रशासन के ऑर्डर हैं, आज वो कर्मचारी हजारों की संख्या में अभी आंदोलन पर थे और वो कह रहे हैं कि भाई ठेकेदारी प्रथा में हम जो है ना किसी को नहीं रखेंगे, सबको निकाल देंगे नौकरी से। ये ताड़ी मारने की बात नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये इन बातों को समझना पड़ेगा आपको कि सरकार की नीति क्या है और उसमें हम लोगों को क्या करना है। जो मजदूर करके खाने वाला व्यक्ति है, रोज काम करके खा रहा है, अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, उसको भी सरकार ये काम करने नहीं दे रही है कि वो आराम से खड़ा है, मेहनत कर रहा है, अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, उसमें भी दिक्कत पैदा जो सरकार कर रही है, निगम प्रशासन कर रहा है, उसकी मैं निंदा करता हूं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर। और साथियों, जो ये भाजपा के लोग ये कह करके सत्ता में आए थे कि अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर के चलेंगे, क्या ऐसा हो पाया? आप लोगों को क्या जरूरत थी यहाँ 15 दिन से बैठे हैं? अरे हम अपना काम करते, अपने बच्चों के लिए कुछ कमा के लेके जाते, यहाँ बैठने की जरूरत क्या है? श्रम कानूनों में बदलाव इस भाजपा सरकार ने किया, वैसे ही उनके है, क्या हमारे से ज्यादा ही देसी इस देश में और कोई नहीं है? गरीबों का, गरीबों की देसी सरकार है भाजपा सरकार, और गरीबों को काम भी नहीं करने दे रही, उसके हक में कानून भी नहीं बना रही। जो श्रम कानून हम लोगों ने ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में लड़ करके हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दे करके बनवाए थे, उनको भी खत्म इस सरकार ने किया। समझेंगे आप इस बात को? तो कह रहे हैं सरकारी महकमों के अंदर भी आज ये कह रही है बहन और भाई, क्योंकि प्रधान जी हमारे को तो निकाल दिया ठेकेदार। मैंने कहा जब हड़ताल चल रही थी, मैं आपको बोलता था ना, रोज तुम हड़ताल में जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो, छुप छुप के बैठे रहते ही।
वहां जाओ हड़ताल में, वहां समाधान होगा। लेकिन इनको वहां से भी डर लगता था और आज वो डर पूरा कर दिया उन्होंने, भारी कर दिया। तो साथियों एकजुटता के साथ आपने आप अपने आंदोलन को बढ़ाइए। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा बिल्कुल टोटल रूप से आपके साथ है, जब जब आपको जरूरत पड़ेगी सर्व कर्मचारी संघ आपके साथ खड़ा मिलेगा। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आप अपने आंदोलन को जारी रखिए। आप लोगों का क्रांतिकारी धन्यवाद करते हुए कि आप अपने आंदोलन को बखूबी अच्छे तरीके से चला रहे हैं और सरोवा जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया नेता हैं हमारे, तो अच्छा से आप चलाइए, कामयाबी आपको निश्चित तौर पे मिलेगी। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद साथी, ये बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी का। साथियों प्रधान जी ने एक बात बोली है जिसको हमने समझना है, कई बार हम बातों को समझ नहीं पाते। यहाँ से ये जरूर समझने की जरूरत है कि जो कर्मचारी बहुत ही थोड़े पैसों में 10,000 रुपए इनको तनख्वाह मिलती है, 10-11 हजार रुपए, 10-11 हजार में से कुछ पैसा इनका काट लेते हैं, कुछ इनसे रिश्वत पाने ले लेते हैं ठेकेदार के लोग। ये 8-8 हजार रुपए में घर कैसे चलाएं, इनके सामने भी संकट है। तो ये अपना घर चलाने के लिए जदोजहद करते हैं और इधर से हम लोग भी अपना घर चलाने के लिए ही सड़क पे खड़े होते हैं। अब हम आपस में लड़ने के बजाय गरीब गरीब जो सरकार लड़ा रही है कि उनको ठेकेदार के अधीन करके उनको कम पैसों में काम करा के और उनको मरने पे मजबूर कर रही है, और हमें सड़क पे खड़ा होने के चलते आम लोगों में ये दुष्प्रचार करती है कि सड़क पर रेड़ियां लगी हैं। अरे भाई, इस शहर में कितने पार्षद हैं, इस शहर में विधायक हैं, इस शहर में बड़े बड़े शोरूम हैं, 1-1 हजार किलोवाट के जनरेटर सड़क के बीच में खड़े हैं, उनको कोई उठाने के लिए नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जो यहाँ कमिश्नर है उसकी जो बीबी है वो विदेश में अपनी सहेली को गुड़गांव के शोरूम से साड़ी खरीद कर भेजती है, और पैसा तो हम देते हैं, हमसे वसूली करते हैं ठेकेदार, और वो कमिश्नर को पैसा पहुंचाते हैं। कमिश्नर की बीबी साड़ी देती है सहेली को और उसकी कीमत चुकाते हैं गरीब रेहड़ी वाले। ये बात समझने की जरूरत है। जब हमारे बात ये समझ में आ जाएगी तो जो ये ठेकेदार इनको लूटता है वो कमिश्नरों को पैसे देता है, जो इनको लगाकर इनको ये कहता है कि तुम्हें 5,000 मिलेंगे और तुम बाकी के काम को रेहड़ी वालों से लूट के पूरा करो। हमें इस बात को आपस में मिलकर बैठ के समझने की जरूरत है। जब हमारे को ये बात समझ में आएगी तो हम समझ सकेंगे कि इस देश में मौजूदा जो शासन प्रणाली है वो भारत के आजादी के आंदोलन की जो मूल भावना थी कि समता मूलक समाज की स्थापना आजादी के साथ ही होगी, जो आजादी के आंदोलन की मूल भावना थी कि कोई किसी का गुलाम नहीं रहेगा, भारत सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उसी रास्ते पर है जहां गुलामी की जाती है, जहां गरीबों को बंधुआ मजदूर बनाया जाता है। और एक खास बात, हमारे को बहुत ही सुंदर सुंदर शब्द बोलकर मोदी जी ठग रहे हैं। अभी वो कह रहे हैं रेहड़ी वालों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। आत्मनिर्भर का मतलब कि वो अपना घर अपना परिवार अपना पेट पाल सकेंगे, उनको इतनी आमदनी होगी। और उसके लिए उन्होंने कहा कि 10,000 रुपए हम लोन भी देंगे, और इधर इसका मतलब दूसरा ये है कि वो हमें 10,000 रुपए लोन देके हमारा काम खराब करके हम पैसा नहीं भर पाएंगे, हमारे को
समाज में काणा कर देंगे, वो हमारे को बैंकों के रिकॉर्ड में डिफॉल्टर घोषित कर देंगे, वो 10,000 रुपए देकर हमारे को, अरे ये तो कुछ नहीं कर सकते, इनको पैसा दिया था मोदी ने, हमारे को कर्जदार बनाया जा रहा है, हमारा कर्जा हम चुका नहीं पा रहे। अभी मेरा एक भाई कह रहा था कि मैं लोन की किस्त कहाँ से भरूं, मेरी रेडी उठा ली, 10,000 रुपए देकर ये हमारे को बंधुआ मजदूर पढ़ने पे मजबूर कर रहे, हमारे को काम नहीं करने दे रहे, ये बात हमको समझनी होगी और एक एक रेडी वाले को ये बताना होगा कि ये ठगों की सरकार है, ये नरेंद्र मोदी इनका सरगना है, वो भारत की जनता का ख्याल नहीं रखता, वो गरीबों को उजाड़ने के लिए बैंकों के यहाँ गिरवी रखता है और हम लोगों को काम न करने के चलते और गरीब कर रहा है। जब हम सारे रेडी वाले इन बातों को जानेंगे तो हम नरेंद्र मोदी को और उसकी भाजपा को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये काम पूरे देश के रेडी वालों को यहाँ से लेकर जाना है, यहाँ से ये संकल्प लेके जाना है कि मेरे बाजू मैं काम करता हूँ, फिर इन बाजुओं में वो ताकत क्यों नहीं बसती जिससे मैं मेरे छोटे छोटे दूध में बच्चों को पेट भर सकूं। कौन है वो जो मुझे मेरे परिवार की रोजी रोटी कमाने से बेघर करता है, ये बात समझने की जरूरत है। ये भाजपा का निजाम, या नगर निगम में भाजपा, या प्रदेश में भाजपा, या देश में भाजपा, और कहते हैं नरेंद्र मोदी चाय वाला है, अरे चाय वाले के राज में रेडी वाला लुट गया ब्याज में। ये बात हमको समझनी है, ये बात हमको एक एक रेडी वाले के पास लेके जानी है। मैं नारा लगाऊंगा कि चाय वाले के राज में, और आपको बोलना है रेडी लूट ली ब्याज में, तो क्योंकि नगर निगम से 10,000 रुपए का लोन हम चुका नहीं पाए, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, वो रेडी जो हमारी थी अब वो रेडी भी गई, अब हम बेघर हैं। रे चाय वाले के राज में, चाय वाले के राज में रेडी गई ब्याज में, चाय वाले के राज में रेडी गई ब्याज में। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 रेडी वाले को जानने वाला निजाम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथियों कल सुबह 10 बजे आपको यहीं पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है। कल हम कमिश्नर के घर पे जाएंगे, कमिश्नर को घर पे जा करके उनका जीना आराम कर देंगे। हम 15 दिन से बैठे हैं, उनका कोई आदमी हमारी सुध लेने नहीं आया। कल हम उनके आवास पे जाकर उनकी नींद को तोड़ेंगे, उनको नींद से जगाएंगे, उनके अहंकार को तोड़ेंगे, हम अपनी आवाज को उनके घर पे सबको सुनाएंगे कि ये जो अफसर है ये हमारे बच्चों के पेट पे लात मारता है। ये बात कल हम उनके घर पे जाके बताएंगे। आप आओगे, सभी साथी आओगे, जो नहीं आना वो भी बता दो भाई, ठीक है, धन्यवाद। आप ये खबर सुन सकते हैं जनाट्य मंच के माध्यम से, और ये जानकारी जन जन तक पहुंचाएं। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।